हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दी ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बाय टाइटल आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हमारी फर्स्ट रसोई है। हमने सोचा चलो फटाक से तैयार हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारे किचन में। 3-4 दिन हो गए आईब्रो फिल नहीं किए, जब से शिफ्टिंग हुई है 3 दिन हो गया ना, और उसके एक दिन पहले से ही हमने सारा सब कुछ रख दिया हुआ था। अब ऐसी जगह पता नहीं उन लोगों ने कहाँ रख दिया हुआ है, जो हमने भी सामान पैक किया हुआ था वो लोग पता नहीं कहाँ उठा के रख दिए हैं, मिल ही नहीं रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर चावल लिए हैं। इस चावल को अच्छे से धुल लेंगे और थोड़ा सा इसको दरदरा पीस लेंगे। तो कहते हैं ना कि रसोई फर्स्ट रसोई में अगर आप पहली बार कुछ बना रहे हो नए रसोई में, तो आपको खीर बनाना चाहिए, कुछ मीठा बनाना चाहिए। तो हम सोच रहे हैं हम खीर बनाएं। तो कुछ देर हम पानी में रख दे रहे हैं चावल भिगो के, ताकि सारी गंदगी ऊपर आ जाए। इसके बाद हम अच्छे से इसको 2-3 पानी से धुल देंगे। तो हमारा चावल ये देखो हमने अच्छे से धुल दिया हुआ है। यहाँ पर चावल थोड़ा सा, आरती क्या खोल रही हो? किचन में हो, किचन का तो कुछ आएगा नहीं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चावल दरदरा जो है पीस लेंगे। हमने आरती को बुला लिया, हम कहे भाई आओ, बिना आरती के हमारा गुजारा बसारा नहीं हो रहा था। अभी किचन सेट नहीं हुआ, हमने आप लोगों को बताया ही। ज्वेलरी पहन ली, ये वाली थोड़ी सी अच्छी लग रही है। तो इसको ना ऐसे हल्का सा ही करना है। तो हमने अब कढ़ाई के नीचे जला दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ये देखिए, इतना आपको इस तरीके से बनाना है, पीसना नहीं है, इस तरीके से। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, आप देख लीजिए। अब हम एक काम करते हैं, इसमें घी डाल दें, चम्मच खोल रहे हैं। अभी किचन जल्दी में सेट हुआ है ना, पूरा सेट नहीं हुआ है तो कुछ मिल नहीं रहा है। घी हमने डाल दिया ढेर सारा, यानी खूब सारा। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसका कलर पूरा चेंज हो गया। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। तो इसमें हम सिर्फ दूध डाल रहे हैं, आप इसमें चाहो तो पानी भी ऐड कर सकते हो। और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारा चावल ज़्यादा चीनी और इलायची पाउडर बाद में पड़ेगा, हमें डाल। तो इसमें हम देखेंगे मलाई भी डाल दे रहे हैं। तो ये देखिए उबाल आ गया, चावल भी हमारा पक रहा है। इसमें थोड़ा सा ना इलायची पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं। मैं पता है पसंद है इलायची, चलता है इसमें, अच्छा लगता है ना। वैसे ठंडी हो जाती तब खाने में मज़ा आता है, तो फ्रीज में रहता। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हो गया इलायची पाउडर। और इसके साथ ही हम थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, चीनी लास्ट में डालेंगे हम। ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ हमने बादाम डाला हुआ है। हम साथ ही साथ बोलते जा रहे हैं ताकि आप लोग बोर ना हो और वीडियो लंबा भी ना हो ज़्यादा, और हमें बाद में एडिट भी ना करना पड़े, है ना। मेन मेन पॉइंट हम आपको दिखा दे रहे हैं और आप लोगों से बात कर ले रहे हैं, मिलते हैं कुछ देर बाद। तो ये देखिए, अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी लास्ट में डालने के पीछे रीज़न ये है ना कि
चावल अच्छे से पक जाए, बस उसको अच्छे से पका देंगे। फिर थोड़ा सा हमने दूध लिया हुआ है, उसमें हम डालेंगे केसर एक्टिव करने के लिए, इतना सा, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। किस किस को केसर पसंद है, तो हम इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे रख दे रहे हैं ताकि कलर अच्छे से आ जाए। हमारी फिरनी भी बनके तैयार, सॉरी फिरनी बोल रहे हैं, कई जगहों पर इसको फिरनी भी बोलते हैं। हमारी खीर भी बनके तैयार हो गई है, इसको डाल के बस 2 मिनट के लिए ढक देना है। सो फ्रेंड्स, हमारी खीर बनके तैयार हो गई है। आप देख सकते हो हमने गैस बंद कर दिया हुआ है। अब थोड़ी सी ठंडी हो जाए तब हम इसको अच्छे से सबको देंगे। ठीक है, वाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है देखने में ही। ओ फाइनली आदि, आज क्या बनाओगी? बीन्स की सब्जी। हाँ, आलू बीन्स की सब्जी, दाल चावल। आज की सोचो कहाँ से आ गई? आती उतनी दूर से डेली आती जाती है, मतलब सोचो यार 3 जगह इनको बदलना होता है। आरती बोल रही भाभी ये फ्रीज हमें दे दो, हम कहे भाई ले जाओ, लेकिन सर्त एक है। क्या सर्त है आरती? यहाँ ले लो। हाँ, हमने कहा यहाँ पर आगे कमरा ले लो ताकि तुम्हारा भाई किराया बहुत चला जाएगा, यहाँ से वहाँ बहुत दूर है, तो यही रूम ले लेंगे। हाँ, उनके यही रूम ले लो, हम तुमको फ्रीज दे देंगे, वहाँ से यहाँ आ सकती है तो हम इतना कर नहीं सकते। हम बड़े परेशान थे, बड़ी टेंशन में थे कि हम कैसे क्या करेंगे, किसी और को मतलब किसी और के ऊपर ट्रस्ट भी हमें नहीं हो रहा था। आई वो पाँच छः हाउस हेल्पर आई थी, बट मुझे समझ नहीं आया, इसीलिए हमने कहा भाई आरती हम गए स्पेशल इनके आरती चलो। और कल ये बोली कि भाभी हम आएंगे, तो हमें लगा सिर्फ गोला दे रही है। अब देखो हम आ गए हैं, धोखा नहीं दिए, बात है सब काम छाड़ छुड़ के आ रहे हैं। हाँ, सब छोड़ छाड़ के चली आई हमके भाई, अच्छा है। तो मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में? हाय शर्मा, ये ना मेरी साड़ी बहुत ही ज्यादा वजन है और हैवी है यार, बात है यहाँ पर इतना फूला फूला सा लग रहा है, ऐसा संभल नहीं रही है। वैसे बता दूँ आप सभी को, ये साड़ी ना मीसो की है, बट कोई कहेगा मीसो की साड़ी है, देखो कितनी अच्छी साइन है ना नेहा, अच्छी लग रही है। तो भाई कल नहीं परसों से 2 दिन बाद से नेहा भी स्कूल जाने लगेंगी, बाबू भी जाने लगेगा, शिफ्टिंग के चक्कर में अभी घर इतना भरा भरा सा लग रहा है। बाबू भी चला जाता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और नेहा चली जाएगी तो और नहीं अच्छा लगेगा। वैसे मान लो नेहा रहती है तो हमारे किसी काम की होती नहीं है, एक ही रूम में पड़ी रहती हैं। और कल पता है नेहा एक कमेंट आया था कि नेहा को तुम जो है 100 रुपये का प्रोडक्ट लगा देते हो, उसको अपने साथ रखी हो, उसके साथ अत्याचार कर रही हो। मैं कितनी बार रिप्लाई करती हूँ यार, मतलब मैं थक गई हूँ लोगों की। जब हम काम वाली हैं तो हमारे साथ ऐसा नहीं करती हैं, अब तो अपनी मीडिया के साथ कुछ नहीं करेगा, ऐसा हमारी नहीं। अब आप खुद सोच लीजिए आरती ऐसे, अगर हम आरती के साथ ऐसे रहते तो वो उतनी दूर और उतना सारा काम छोड़ के कतई नहीं आती। और मैंने कभी आरती को ना ऐसा समझा ही नहीं, मैं वो नाम ही नहीं लेना चाहती। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरी हाउस हेल्पर भैया हमारी हमेशा मदद करती हैं। और रही बात कि नेहा को कैमरामैन बना दी हो तो क्या है, देखो कुछ अच्छा करते हैं। नेहा भी कहीं घूमने जाती है तो पिक्चर वीडियो जरूर बनाती, घर के बच्चे जाते हैं आपके घर के बच्चे। और कल पता है नेहा जो तुमने वो अपना रूटीन सेट किया हुआ था उसमें कमेंट आया कि अच्छा इनकी रूटीन में पढ़ाई लिखाई है या फिर फेस वॉश स्क्रब यही है। तो ये बताओ आप लोग नहाते वहाते नहीं हो क्या? नहाते टाइम फेस वॉश नहीं यूज करते हो? जो कमेंट ये थे मैं उनकी बात कर रही हूँ, फेस वॉश नहीं यूज करते हो या फिर सिर्फ मॉइस्चराइजर? कुछ नहीं भैया, ये लोग नहाते भी नहीं है, शैम्पू भी नहीं यूज करते। डेली लाइफ रूटीन में, मतलब हमारी लाइफ रूटीन जो है डेली रूटीन में हो तो आता ही है ना, हम जाएंगे भैया नहाएंगे, शावर, शैम्पू, फेस वॉश ये सब यूज करेंगे, इसके बाद नहाने के बाद बाहर निकल के आएंगे, बॉडी लोशन लगाएंगे, फेस पे टोनर लगाएंगे, सीरम लगाएंगे, मॉइस्चराइजर लगाएंगे, भैया
हर किसी का हक है सुंदर दिखना, खासकर हम लड़कियों को, हम औरतों को। किसी की ना तो जो को गंदा होता है उसकी गंदी आदत होती है। भाई हमारी बेटी, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे अगर हम लोगों के साथ ना ऐसे नहीं करती हूँ, मैं हमेशा स्वीट रहती हूँ, ये लोग गुस्सा वाला काम करते हैं तो गुस्सा भी होती हूँ मैं। अगर ये लोग कोई गलत काम किए हैं तो भैया हमारा पूरा हक है, मेरे गार्जियन है, हमारा पूरा हक है कि मेरे को डांटें बोलें, और प्यार भी हम बहुत ही ज्यादा करते हैं, इसीलिए हमारे बच्चे मम्मी पापा सबको छोड़ के चले जाते हैं, हमारे पास रहते हैं। आज कितने दिन हो गया चंदन को आए? एक महीना हो गया चंदन को आए, लेकिन सोचो कौन सा बच्चा, इतना बड़ा बच्चा जो अपनी चाची के पास रुक जाएगा, कोई नहीं। और हमारी बिटिया हो तो हमारे साथ ही रहती है, बस पेपर देने वहाँ गई थी, वो भी मेरा बस चलता तो मैं नहीं जाने देती, लेकिन एडमिशन उनका वहाँ से हुआ था। इस साल मैंने कहा नहीं, मैं इनको जब तक ये हैं तब तक मेरे साथ ही रहेंगी, इसके बाद भाई जब शादी हो जाएगी तो अलग ऑप्शन है। कल पता नहीं कौन सी बात हुई, नेहा से दीप ने बोला कि नेहा तुम बाबू को लेके जाओगी, तो कह रही हूँ, हम कहे घर बोल देती नहीं हम ससुराल नहीं जाएंगे, तो थोड़ा हमें भी खुशी होती, हमारे भी 10-20 लाख बच जाते, जाएंगे। और ननद का लड़का है हमारे, वो कह रहा हूँ देखो तैयार बैठी है जाने के लिए, ससुराल जाएंगे आपको, भैया यही गाएंगे मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार। तो यही बात, हमारा जो है तो खीर भी रेडी तैयार हो गया है, ठंडा हो जाए तो यार, हाँ यार बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कलर भी नहीं जा रहा यार, रहा नहीं जा रहा, ये देख लो वाओ वो कलर कितना प्यारा आया, देख लो वाओ। हाँ यार केसर, कितनी अच्छी केसर की खुशबू आ रही है, कुल्फी की याद आ रही है, केसर वाली जो कुल्फी होती है ना, इसको थोड़ी देर फ्रीज में रख देते हैं निकाल के, फिर मस्त खाया जाएगा। तो थोड़ी देर फ्रंट कैमरे से बात कर लें भाई, तो ये देखिए अगर हम सीरम नहीं लगाएंगे, टोनर ले लगाएंगे, तो हमारी स्किन ऐसे कैसे ग्रो करे। बस यही है, ये है मेरा किचन जो कि आज आरती ने सजा दिया, जब हम सीतापुर से आए थे तब भी आरती हमारी बहुत हेल्प करी थी, और अभी भी आरती हमारी बहुत हेल्प कर रही है। हाँ चलो कम से कम हंसी तो हो, अभी आई थी छोड़ के तो रो रही थी तीन दिन, बहुत रो रहे थे, बहुत इतना रो रहे थे कि कुछ ना। अरे मेरा बच्चा रो रहा था, मेरा बच्चा मतलब प्रत्यूष रो रहा था, दीप ये जब आरती रोने लगी ना तो दीप रोने लगे कि यार मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि हम घर छोड़ के आए हों इतना रोए हों, लेकिन उस घर को छोड़ने में हमें बहुत ही रोना आया और बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। आपने अगर नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, बट हाँ ये बात अलग है कि हम ऑन कैमरा नहीं रोए थे, कैमरा चालू करके हमने कहा नहीं यार हम अपनी वीकनेस किसी को नहीं दिखा सकते, बट इंसान है। और यहाँ पर एक चीज़ सबसे अच्छी है, आ जाओ तो हूँ आज बहनी, यहाँ की एक चीज़ सबसे अच्छी क्या हुआ, क्यों नहीं ले रहा क्या देखी हो गया ना, थोड़ा ही आ जाने तो आ इधर आज के तो हाँ मैं ठीक बा, हम लोगों का कुछ मिल ही नहीं रहा है, हमें भी ये मिल गया कैसे कैसे, मेरे तो ना रेड वाले बैग थे उसमें मैंने ये अपना सारा रखी है, वो रख वही मिला उसके बाद जो वाला रहने दो, पता नहीं पता है ये अपनी सारी पैकिंग इतनी चालाक लड़ी है इनकी, सारी कुछ नहीं मिल रहा है, नाइट सूट इनका सब कुछ है, मेरा मैं इनका पहन रही हूँ, इनका टी शर्ट पहन के जा रही हूँ, इनका टॉप पहन के, इनका लोअर पहन के मैं जा रही हूँ, मेरा कुछ भी नहीं मिल रहा है, उन लोगों ने ऐसे पैक किया हुआ है। तो क्या वो पुत्र जी आ ही नहीं रही थी, इतनी देर से आई नहीं रही थी, मैं यहाँ किचन में काम कर रही हूँ ना बेटू। तो आप लोगों को मेरा नया किचन कैसा लगा बताना जरूर, वैसे मैंने ऑलरेडी टूर शेयर कर दिया है, आपको कैसा लगा बेटा ये घर कैसा लगा? तो आरती आंटी आ गई है, बच्चा है ना, आरती आंटी नहीं है, हाँ अब अच्छा लगे, सोच रहे थे वहाँ, चलो हम निकाल दें खीर निकाल लें। हाँ डंडड़ा, सो रेडी है हमारी सेवैया, हमारे नए घर की, नए घर में फर्स्ट रसोई में हमने क्या बनाया हुआ है नए किचन में, तो ये है सेवैया, आ जाओ सर। खीर है आरती बता रही है सेवैया ने, खीर है, देखो यार मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ गया हुआ है, लाइट ऑन कर लूँ, लाइट ऑन कर दो यार, तो आ जाओ सब, समझ गए क्या कहते हैं,
खाते रहते थे, हम चलने के चलो ऐसे कोई नहीं पाऊंगा। नहीं खा सकते आप, चल रहा है डायरेक्टली कैमरा, चोरी पकड़ी जाएगी रास्ते पे से खाएंगे। अच्छा ठीक है, लो घुमा दिया, ये देखो फोटू चंदन। सो फ्रेंड्स, सबने खा पी लिया, अब मैं ज्वेलरी निकाल दे रही हूँ। एक्चुअली मुझे रील्स बनाना था, बट मैं रील्स बना नहीं पाई, तो मैंने कहा छोड़ो यार, रील्स एक्चुअली खाना बनाने के चक्कर में नहीं बन पाया है ना, तो ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा भी हो गया है। कान का नहीं निकालो, ये तो मेरी कुल निकाल रही है। तो ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा भी हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इस ब्लॉग का एंड कर दूँ। मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मैंने फर्स्ट सेफ्टी पिन निकाल दिया, तो ऐसे दोबारा है। मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय। प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट।